हेलो फ्रेंड्स, होली का त्योहार नजदीक ही है। होली जितने की हमारे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, शायद ही और किसी देश में मनाई जाती, क्योंकि होली हिंदुस्तानी त्योहार है जिसमें प्रथा के अनुसार पूजा होती है, रंग से होली खेली जाती है और उसके बाद बहुत सारी मिठाइयाँ खाई जाती हैं। लेकिन होली की मौज मस्ती के दौरान अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। होली में बनाए जाने वाले व्यंजन और मिठाइयाँ हम जी भर के खाते हैं, वो भी बिना ये सोचे कि उसका हमारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको जरूरत है अपनी एक्स्ट्रा केयर करने की, क्योंकि मिठाइयाँ खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है और आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आइए, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट कैसे बनाए होली और अपने आप को रखें एकदम फिट और हेल्दी। टिप नंबर 1, अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं और आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। आप होली के त्योहार में मिठाइयों से परहेज नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अपने घर बैठे तो मिठाई बना सकते हैं ना। कोशिश करें कि आप घर पे ही मिठाइयाँ बनाएं और उसके अंदर शुगर फ्री का प्रयोग करें। आजकल मार्केट में इजीली आर्टिफिशियल स्वीटनेस उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल आप अपनी मिठाई बनाने में कर सकते हैं और मिठाइयों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। टिप नंबर 2 है ड्राई फ्रूट्स। डायबिटीज के पेशेंट को होली सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रंगों से ही खेले या फिर सिर्फ शुगर फ्री मिठाइयों का ही सेवन करें। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी बूस्टर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डायबिटीज़ के रोगियों को होली पर ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखने की और ज़रूरत है। होली के त्योहार में केसर का शरबत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट को इस केसर के शरबत से अपने आप को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपको नशा हो सकता है जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। टिप नंबर 3, होली के समय पर बनने वाली पूरन पोली से अपने आप को दूर रखें। जी हाँ, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो होली के दिन में बनने वाली पूरन पोली का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फैट होता है जो कि आपके वजन को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत पे कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है। टिप नंबर 4 है गुजिया। मधुमेह के रोगियों को होली के टाइम पर बनने वाली गुजिया का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफी मात्रा में मीठा होता है जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। आप चाहे तो अपने लिए कम मीठे की गुजिया बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर शुगर फ्री डाल के भी गुजिया बना सकते हैं। टिप नंबर 5 है बेसन की बर्फी। डायबिटीज के पेशेंट्स को बेसन की बर्फी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसन की बर्फी के अंदर काफी मात्रा में फैट और मीठा होता है जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। टिप नंबर 6 है बूंदी के लड्डू। डायबिटीज के पेशेंट्स को बूंदी के लड्डू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घी या फिर डालडा में बने होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर काफी मात्रा में मीठा भी होता है जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसका सेवन करने से उनको हार्ट डिजीज भी हो सकती है। टिप नंबर 7, मधुमेह के रोगियों को गुलाल से या फिर हर्बल रंगों से ही होली खेलनी चाहिए, क्योंकि बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंग उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं और उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि मधुमेह के रोगी सूखे गुलाल या फिर हर्बल रंगों से ही होली खेलें। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनका इस्तेमाल करके डायबिटीज के पेशेंट भी होली का अच्छे तरीके से मजा उठा सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।